हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द एंग्री अर्जुन कैरेड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। विद हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रू बाय भीष्म ऑन हिम एंड विद सिक्स अदर एरोज ही किल्ड द चैरियटियर्स ऑफ भीष्म्स। विद वन एरो ईच ही नॉक्ड डाउन रिस्पेक्टिवली द रथ flag and bow of Bhisham. Finally, with one more than four times the square root of arrow, he laid Bhisham unconscious on an arrow bed. Find the total number of arrows Arjun had. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिख लेंगे जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। की कंसेप्ट जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ए सी और मिडिल टर्म इज बी। अब हमने कोई तो नंबर ऐसे देखने हैं जो मल्टीप्लाई करके ए सी आए और बी प्लस माइनस करके मिडिल टर्म, तो ये हमारे पास इसमें हम यूज करेंगे मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले हमारे पास है कि जो अर्जुन है सपोज कर लेते हैं उसके पास एक्स एरोज हैं। लेट अर्जुन हैड एक्स एरोज, हाफ उसने भीष्म के एरोज को कट, हाफ अपने एरो से उसने भीष्म के एरोज को कट किया। सो नंबर ऑफ एरोज, नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू कट, used to cut arrow of Bhisham is equals to x divided by 2. Next is number of arrows used to kill the Rath driver, to kill the Rath driver is equals to 6. Next is number of other arrows used is equals to 3 and remaining arrows is equals to 4 root x plus 1. अब इन टोटल जो एरोज उसने यूज किए हैं x plus 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस टू प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस फोर रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितने हो गए, टोटल एक्स जो कितने उसके पास थे इन सबका टोटल किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। तो ये जो एक्स अपॉन टू है दूसरी जाके माइनस कर देंगे, सिक्स प्लस थ्री प्लस वन इज टेन, टेन प्लस फोर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अपॉन टू कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन टू। तो इसको हम क्या करेंगे, जो ये x अपॉन टू है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x अपॉन टू माइनस फोर एक्स, फोर रूट एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। अब जो टू है टू से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस टू फोर ज एट रूट एक्स माइनस टू टेन ज ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। जो नीचे वाला जो टू था वो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो के साथ जीरो हो गया। अब मिरर टर्म स्प्लिट करेंगे तो हम यहाँ पे अगर माइनस टेन रूट एक्स प्लस टू रूट एक्स, टेन माइनस टेन प्लस टू कितना हो जाएगा माइनस एट एंड माइनस टेन प्लस इंटू टू माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट पहले रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट एक्स माइनस टेन, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा टू रूट एक्स माइनस टेन इज इक्वल्स टू जीरो। अब पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास रूट एक्स माइनस टेन और क्या बच गया रूट एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास रूट एक्स इज इक्वल्स टू टेन और यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू और जो क्वान्टिटी है एरोज की वो माइनस में तो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया रूट एक्स इज इक्वल्स टू टेन। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू टेन का स्क्वेयर हंड्रेड। तो फाइनल जो उसके पास एरोज थे टोटल एरोज इज इक्वल्स टू हंड्रेड। सो द फाइनल आंसर इज टोटल एरोज अर्जुन हैड इज इक्वल्स टू हंड्रेड बाई यूजिंग द की कंसेप्ट
ax² plus bx plus c is equal to 0. This is quadratic equation and middle term concept is used. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.